पंडवा प्रखंड अंतर्गत पंडवा पंचायत के युवा समाज सेवी विनोद सिंह ने पूरे जनमानस से आग्रह करते हुए कहा कि ये वैश्विक महामारी है जो पूरे जनजीवन को प्रभावित कर रही है। इससे बचाव के लिए हम सभी को सरकार द्वारा मिल रहे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संक्रमण से बचाना है। साथ ही साथ विनोद सिंह ने कहा कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लें ताकि शरीर से बीमारी से लड़ने के लिए अत्यधिक क्षमता मिल सके। इसके साथ साथ सामाजिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग निरंतर करते रहें। विनोद जी, आप युवा समाज सेवी हैं और आम जनों के लिए हमेशा जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। अभी इस महामारी में, कोरोना काल में, तीसरा लहर में आप आम जनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, वे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इसके लिए तो भरत जी, सरकार बहुत सी गाइडलाइन देते रही है आज बहुत पहले से ही, 2020 से ही। और अभी जो ओमिक्रोन और ये जो डेल्टा वेरिएशन बहुत सा तरह तरह के बीमारियां लॉन्च कर रही है, सरकार हर पल हर समय देशवासियों की सुरक्षा हेतु गाइडलाइन जारी करती है कि मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजिंग करते रहें और 2 गज दूरी का पालन करें। मैं अपने पूरे देशवासियों के साथ अपना पड़वा गांव बस्ती के तमाम ग्रामीणों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भीड़ भाड़ से बचें, सैनिटाइजिंग करते रहें हाथ का हमेशा, और मास्क हमेशा पहने और उचित दूरी बना के रहें, तभी बच सकते हैं। और बचाव ही इसका एक उपाय है, बाकी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। R9 भारत के लिए भरत शर्मा की रिपोर्ट, पंडवा पलामू से।